सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफिशियल चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा और आप देख रहे हैं ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स। हम लोग जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं, हम सब इस एक ही वजह से परेशान होते हैं कि हमारे पास जो अपने फ्रेंड्स के स्टेटस पिक्चर्स और वीडियोज आती हैं उसको हम किस तरह से अपने फ़ोन में सेव करें, क्योंकि वहाँ पर तो सेव का ऑप्शन ही नहीं होता। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यूज़फुल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल सर्च करना है स्टेटस सेवर, स्टेटस सेवर हमने सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे जो थर्ड एप्लीकेशन आ रही है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने की हुई है, आप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। आपने इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जस्ट इसको ओपन करना है, इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम और बैक कर लेना है। फर्स्ट टाइम जस्ट इसको ओपन करके आपने बैक कर लेना है, ये एप्लीकेशन आपकी एक्टिव हो जाएगी। और जब भी आपके पास कोई भी स्टेटस आएगा आपने बस उस स्टेटस को ओपन करना है। देखिए ये स्टेटस वीडियो है, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास नया स्टेटस आया हुआ है। हम सिंपली इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हम जस्ट इस स्टेटस को ओपन कर रहे हैं और ये सारी पिक्चर्स हमारे पास उस एप्लीकेशन में सेव हो जाती हैं। हमने सिंपली स्टेटस ओपन किया और अब हम जाके अपनी एप्लीकेशन में चेक करते हैं। ठीक है, स्टेटस सेवर को हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये जितनी भी पिक्चर्स हमारे स्टेटस में आ रही थी वो सब हमारे पास सेव हो गई हैं, जो कि पहले सिर्फ ये दो पिक्चर्स ही थी हमारे पास। इसी तरह से आप अपनी पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर्स को, ये पिक्चर सेव आपकी इस एप्लीकेशन में ही सेव होती है, अगर आपने इसको फ़ोन में सेव करना है तो ये प्लस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सेव का ऑप्शन, प्री पोस्ट का ऑप्शन और सेट एज का ऑप्शन। सेट एज से आप अपने वॉलपेपर्स वगैरह पर इस पिक्चर को सेट कर सकते हैं, रीपोस्ट से आप अपने व्हाट्सएप पर ही इसको रीपोस्ट कर सकते हैं, और सेव से तो आप सिंपली अपने पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा कूल ऐप है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यूज़फुल है। तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी और वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी और हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।